दोस्तों, मेरा नाम है मोक्ष और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया शो, जिंदगी के रंग, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं अपने आप से। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संगीता जी की लिखी कहानी मनहूस लड़का, सिर्फ नोजोटो ऐप पर। आधी रात को दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीटने लगा, जिससे मिस्टर एंड मिसेस सुमित शर्मा की नींद खुल गई। अब कौन आ गया इतनी रात को, मिसेस शर्मा ने उठते हुए कहा। देख के आता हूँ, मिस्टर शर्मा उबासियां लेते हुए नींद में गेट तक गए। दरवाजा फिर से किसी ने जोर से पीटा। अरे आ रहा हूँ भाई, मिस्टर शर्मा ने कहा। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां भानु खड़ा है, कंबल में सहमा सा, डरा हुआ सा। अरे भानु, तुम रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? भानु बिना कुछ बोले घर में घुस गया और अपने आप ही दरवाजे को बंद करके कहने लगा, सर सर मुझे बचा लीजिए। अरे अरे भानु, बताओ तो क्या हुआ, मिस्टर शर्मा भानु को शांत करते हुए कहने लगे। भानु डर के मारे कोने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। मिस्टर शर्मा उसके पास जाकर बोले, देखो भानु, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या हुआ? बस, मिस्टर शर्मा ने इतना पूछा और भानु फूट फूट के रोने लगा। दरअसल भानु मिस्टर शर्मा की क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। मिस्टर शर्मा पास ही के सरकारी स्कूल में 9वीं-10वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। भानु उन्हीं की कक्षा का एक छात्र है। भानु को रोता देख मिस्टर शर्मा थोड़े से घबरा गए। अरे भानु, एक मिनट, लो पानी पियो, अब बताओ क्या हुआ, मिस्टर शर्मा ने भानु को संभालते हुए बोला। सर वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, सर वो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझसे चिढ़ते हैं, सब मुझसे डरते हैं, भानु ने एकाएक सब कुछ बोलना शुरू किया। आज जब दूध लेने के लिए मैं सर डेयरी तक गया तो किसी का डोलो गिर गया, मुझसे लगकर नहीं, अंगड़ाई खाकर गिरा वो, पर सबने मुझे ऐसे देखा कि मेरी वजह से हुआ है, और मनहूस मनहूस चिल्लाने लगे। परसों की बात ले लीजिए, सब्जी मंडी में किसी की गाड़ी ठुक गई तो सबने बात फैला दी कि भानु यहां खड़ा था इसलिए हुआ। आखिर कब तक ये लोग मुझे मनहूस बुलाएंगे, सब यही कहते हैं मैं अपने माँ बाप को खा गया, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं, आखिर मेरी क्या गलती है सर, क्यों लोग मुझे ऐसे। मिस्टर शर्मा ने उसे गले लगाकर शांत होने को कहा। देखो भानु, रात बहुत हो चुकी है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं सो जाओ, कल सुबह अपने घर जाकर स्कूल के लिए आ जाना। किसी तरह मिस्टर शर्मा ने भानु को वहीं सुलाया और खुद भी सोने चले गए। अगली सुबह स्कूल शुरू होते ही मिस्टर शर्मा ने भानु को ढूंढना शुरू किया, पर भानु था कि कक्षा में नजर ही नहीं आया। मिस्टर शर्मा ने बाकी लोगों से पूछा कि भानु कहाँ है। लंच के दौरान उन्होंने भानु को फिर से ढूंढने की कोशिश की और एकाएक भानु उन्हें स्कूल की छत पर बैठा मिला, अकेला रोता हुआ। भानु, मिस्टर शर्मा ने उसे आवाज लगाई। भानु ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा होकर सर के पास आने लगा। सर सर मैं ठीक हूँ सर, चलिए नीचे चलते हैं, मिस्टर शर्मा ने कहा। देखो अभी लंच है, एक काम करो, यहीं बैठो और बताओ मुझे क्या बात है। भानु ने एक गहरी सांस लेकर मिस्टर शर्मा को सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे लोग उसे मनहूस कहते हैं, उसे कोई खिलाता नहीं अपने साथ, उसे कोई बिठाता नहीं अपने साथ, और बस कोसते रहते हैं। उस समय तो मिस्टर शर्मा ने उसे किसी तरह शांत करके नीचे भेज दिया, पर अगले कुछ दिनों तक मिस्टर शर्मा को यह बात खलती रही कि कैसे भानु को इस सब से निकाला जाए। एक दिन मिस्टर शर्मा को स्कूल में बैठे बैठे एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक दिन कैंटीन में कुछ टीचर्स और बच्चों के सामने खुशी के मारे चिल्लाना शुरू किया, अरे तुमने सुना, भानु की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। वहां बैठे सभी लोग उनकी इस बात पर हंसने लगे। भानु की? सर क्या मजाक कर रहे हो, मिस्टर गुप्ता ने वहां बैठे बैठे मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर एक 10वीं क्लास का बच्चा बोला, सर उस मनहूस की लॉटरी क्या कुछ भी नहीं लग सकता, उसे ऐसे ही थोड़ी मनहूस बुलाते हैं हम। मिस्टर शर्मा ने सबका विरोध करते हुए दोबारा बोला, अरे नहीं सच में लगी है, तुम चाहो तो न्यूज खोल के देख लो, चाहो तो मैं तुम्हें लॉटरी का टिकट दिखा सकता हूँ, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसने कल ही मुझे बताया और वो कुछ परेशान सा था। परेशान किस बात से, किसी ने कैंटीन में से पूछा।
मिस्टर शर्मा ने कुर्सी लेते हुए बैठ के कहा, अब उसे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, उसके घर में कोई है नहीं, ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, ना भाई बहन। उसने मुझसे पूछा, सर मैं इन पैसों का करूँगा क्या? मैंने कहा, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तो भानू ने ये सारे पैसे दान में देने की बात कही। अरे दान में देकर क्या करेगा सर वो, किसी ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा। मिस्टर शर्मा बोले, मैंने भी उससे यही कहा, पर उसने कहा कि जब लोग मुझे इतना मनहूस बुलाते हैं तो मैं दान में देकर दुआएं लेना चाहता हूं ताकि कोई मुझे मनहूस न कहे, मेरा मनहूस साया चला जाए मेरे ऊपर से। मिसेस नीलम उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, अरे मनहूस साया क्या, वो पैदा ही मनहूस हुआ है, जब देखो काम बिगाड़ता रहता है, और दान में देने से उसे दुआएं मिलेंगी तो कौन सा सुधर जाएगा, इससे अच्छा वो पैसे हमें दे दे, स्कूल के काम आ जाएंगे, बच्चों के काम आ जाएंगे। मिसेस नीलम की बात को काटते हुए मिस्टर शर्मा ने उन्हें जवाब दिया, नीलम जी मैंने भी उसे यही कहा कि स्कूल में दे दो, पर जानती हैं उसने जवाब क्या दिया, कहता है कि मेरे मनहूस हाथों से ये पैसे स्कूल को जाएंगे तो कल को भूकंप में स्कूल ना गिर जाए, कल को बच्चों का नुकसान ना हो जाए। अचानक रिसेस की घंटी बजी और सब लोग उठ के अंदर जाने लगे। अब ये बात कैंटीन से स्कूल, स्कूल से बाहर, बाहर से मोहल्ले में, मोहल्ले से हर जगह फैलने लगी। भानु को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन भानु क्रिकेट खेलते बच्चों को देखने के लिए पार्क में गया और अचानक उससे किसी ने पूछा, ए भानु खेलेगा? भानु हिचकिचाते हुए बोला, मैं? पर मैं क्यों? अरे आ जाना यार, खेलते हैं, आज एक और बार तेरी किस्मत देखते हैं। भानु उनके साथ कुछ देर खेला और मानो खुशी खुशी घर आया, पर उस खुशी के पीछे उसे कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। ऐसे मानो उसे लगने लगा कि ये अचानक लोग मुझे इस तरह क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा। भानु के कुछ दिन ऐसे ही उलझे हुए बीतने लगे जब लोगों ने उसके साथ खेलना, बात करना और मिलना जुलना शुरू किया, और तो और लोगों ने उसे मनहूस बुलाना भी बंद कर दिया, मानो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो और वो सबकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। पर धीरे धीरे लोगों को जब लगने लगा कि भानु की कोई लॉटरी नहीं लगी है, कोई पैसे नहीं आए हैं, तब उन्हें फैली हुई इस अफवाह पर शक होना शुरू हुआ। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और एक दिन स्कूल में जब टीचर्स डे मनाया जा रहा था, असेंबली में सब लोग जमा हो चुके थे, तब मिस्टर शर्मा ने स्टेज पर चढ़कर माइक हाथ में लेकर एक अनाउंसमेंट करनी शुरू की। मैं जानता हूं आप सब लोग क्या सोच रहे होंगे और क्या बातें कर रहे हैं आसपास। दरअसल भानु की लॉटरी की खबर झूठी थी और वो मैंने फैलाई थी। सब लोग चौंक कर मिस्टर शर्मा की तरफ देखने लगे और मानो लोगों ने अब आपस में खुसफुस करना शुरू कर दिया। मिस्टर शर्मा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जब आप लोगों को मैंने यह खबर सुनाई तब आप में से किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया था, पर देखते ही देखते आप सबने भानु को साथ में खिलाना, बिठाना, मिलना जुलना शुरू कर दिया था। क्या तब आपको लगा कि वो मनहूस है? क्या तब आपको लगा कि उसकी वजह से आपका कोई नुकसान हुआ या आपका कोई काम बिगड़ गया? नहीं, बस यही समझाने के लिए मैंने ये अफवाह फैलाई थी कि मनहूसियत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब आपके दिमाग की सोच है, ये सब सिर्फ उसी सोच का परिणाम है। यह सुनकर पूरी असेंबली में मानो सन्नाटा छा गया। मिस्टर शर्मा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि भानु अभी दसवीं में पढ़ने वाला एक बच्चा है जिसने जिंदगी को अभी देखा तक नहीं ठीक से, और आप सब लोगों ने उसके दिमाग में ऐसा फितूर भर दिया कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगा। शर्म आती है मुझे ऐसे समाज पर जो अंधविश्वास को इतना बढ़ावा देता है और किसी को इतना मजबूर कर देता है कि वह अपनी जिंदगी त्यागने का सोचे। दोस्तों, मनहूसियत भानु में नहीं, मनहूसियत हमारे समाज में है जो ऐसी सोच को अभी भी जीता है, बढ़ाता है। मैंने तो बस एक झूठ बोला था ताकि आप लोगों की आंखें खुल सकें और आप देख सकें कि भानु मनहूस नहीं है, हमारी सोच मनहूस है। सभी लोग मिस्टर शर्मा की बात चुपचाप सुनते रहे। भानु, मिस्टर शर्मा ने भानु को स्टेज के ऊपर आने के लिए कहा। भानु, जिसे सारे स्कूल की नजरें अब एक नए नजरिए से देख रही थी, भानु उन नजरों से नजरें छुपाता हुआ चुपचाप धीरे से स्टेज पर गया और भावुक होकर मिस्टर शर्मा को गले लगा लिया। बस इतनी सी थी कहानी।